कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन के बीच राजनीति भी सुस्ता रही है। गाहे बगाहे सरकार पर हमले हो रहे हैं और सरकार जवाब भी दे रही है, लेकिन ज्यादातर नेता इन दिनों घर ही बैठे हैं। ऐसे में यह जानना काफी रोचक है कि इन दिनों नेता, खासकर देश के चुनिंदा युवा नेता, इन दिनों क्या कर रहे हैं। अगर बात बिहार की करें तो हर कोई जानना चाहता है कि कन्हैया कुमार क्या कर रहे हैं। हर समय सरकार पर हमलावर रहने वाले कन्हैया कुमार इन दिनों गायब है। हालांकि बिहार के ही युवा नेता तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और चिराग पासवान कोरोना संकट में काफी एक्टिव हो गए हैं। वह हर संभव लोगों की मदद कर रहे हैं और सरकार को सुझाव भी दे रहे हैं। लेकिन बिहार में चमकी बुखार और पटना में जल जमाव के समय में गायब रहने वाले कन्हैया कुमार अभी भी गायब है। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे सीपीआई नेता कन्हैया कुमार काफी दिनों से बिहार में सक्रिय थे। कोरोना के कारण जब लॉकडाउन की घोषणा हुई, तब कन्हैया ने लोगों से अपील की वे सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। 28 मार्च के बाद उनके फेसबुक और ट्विटर हैंडल पर कोई पोस्ट नहीं की गई है। अपने कुछ आखिरी पोस्ट में उन्होंने सरकार से अपील की है कि गरीबों को उनके घर पहुंचाने और उनके इलाज के साथ साथ खाने पीने का भी इंतजाम किया जा सके। इसके बाद से कन्हैया कुमार गायब है। वहीं गुजरात में पाटीदार आंदोलन के सामने आए हार्दिक पटेल अब कांग्रेस के नेता हैं। लॉकडाउन के बीच काम करने वाले पुलिस कर्मियों को प्राथमिकी सुविधाएं देने की मांग के लिए हार्दिक पटेल ने हाल ही में गुजरात के गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी थी। इस बीच हार्दिक पटेल गुजरात में राशन वितरण के दौरान बड़े घोटालों का आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने देश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। हालांकि उनकी ट्विटर प्रोफाइल पर लोगों की मदद के संबंध में कोई पोस्ट नहीं मिली है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।